हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ हॉरर गेम के बारे में। एंड भाई इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा गेम बताऊंगा ना जिसका ग्राफिक्स बहुत ही अच्छा होने वाला है, एंड साथ ही साथ कुछ गेम के अंदर आपको स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेगा, एंड कुछ गेम तो भाई मल्टीप्लेयर होने वाला है यार, मतलब आप अपने दोस्तों के साथ भी खेल पाओगे। तो चलो इस आज की वीडियो स्टार्ट करते। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं रोज अपलोड करता रहता हूँ। एंड अगर ये वीडियो को पसंद आता है तो भाई एक लाइक भी कर देना। तो चलो इस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं नंबर 5 गेम के बारे में। सो गाइस, नंबर 5 पर जो गेम आ रहा है इस गेम का नेम है द घोस्ट सर्वाइवल। दोस्तों ये जो गेम है ना मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। बेसिकली यहां पर होता क्या है कि आप एक हॉस्पिटल का पेशेंट हो, एंड आपको बाद में जाके पता चलता है कि ये जो हॉस्पिटल है ये भाई हॉन्टेड हॉस्पिटल है, मतलब एक भूतिया हॉस्पिटल है। यहां पर उल्टा पुल्टा आपको चीज वगैरह देखने को मिल जाता है, मतलब कुछ स्कैरी साउंड आता है, उसके बाद रात पे भाई लाइट वगैरह सब ऑफ हो जाता है, तो आपको बहुत ही ज्यादा डर लगने वाला है। एंड भाई इस गेम के अंदर ना बेसिकली एक ही रास्ता होता है उस हॉस्पिटल से निकलने का, एंड आपको उस जो रास्ता है उसको ढूंढना पड़ेगा, एंड तो आपको गेम के अंदर जाके ही पता चलेगा। देखो भाई इस गेम के अंदर आप लोग दोस्तों के साथ भी खेल पाओगे, मतलब मल्टीप्लेयर मोड आपको देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पर वॉइस चैट भी कर पाओगे, मतलब जो फ्रेंड के साथ आप खेल रहे हो ना उस फ्रेंड के साथ यहाँ पर आप वॉइस चैटिंग भी कर पाओगे। तो और क्या चाहिए यार, एक मल्टीप्लेयर हॉरर गेम चाहिए तो भाई ये गेम आपके लिए होने वाला है। एंड इस गेम का ग्राफिक्स देख रहे हो यार, ठीक ठाक ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इस गेम की साइज के बारे में, तो साइज होने वाला है 300 MB, एंड जो गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है, इसको आप लोग ऑनलाइन पे भी खेल पाओगे। सो गाइस बात करते हैं नंबर 4 गेम के बारे में। तो भाई इस गेम का नेम है नो रेस्ट हॉरर गेम। दोस्तों इस गेम के अंदर आपको डेविड नाम की एक लड़की का रोल प्ले करने को मिलता है। ये जो बंदा है ना ये जाता है एक गांव में कुछ मीटिंग वगैरह करने के लिए, मतलब कुछ काम की सिलसिला में जाता है, एंड उधर जाके ये बंदा फंस जाता है। बेसिकली होता क्या है कि ये जो गांव है ना इसके अंदर भाई भूत वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, एंड वो बंदा जाता है उसको पता नहीं होता, वो जाते हैं रात पे आते हैं, लेकिन उस टाइम पे उसको काफी सारे ऐसे भूत वगैरह चीज देखने को मिल जाता है, एंड वो घर पे जाके रुकता है, लेकिन उस घर पे भी आपको सेम चीज देखने को मिल जाता है। तो इस गेम के अंदर भाई बहुत ही खतरनाक वाला चीज आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस गेम को डाउनलोड करके खेलना चाहते हो ना तो भाई प्लीज यार हेडफोन पहन के खेलो, ताकि आप लोगों को और भी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए। एंड सच्ची बता रहा हूँ भाई ये गेम बहुत ही खतरनाक है, एक बार ट्राई करके देखो आपको मजा ही आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इस गेम की साइज के बारे में। तो साइज होने वाला है 160 MB, एंड जो गेम है पूरी तरीके से ऑफलाइन है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और बात करते हैं नंबर 3 गेम के बारे में। तो भाई इस गेम का नेम है डेड बाय डेलाइट मोबाइल। दोस्तों ये जो गेम है एक कॉन्सोल टाइटल होने वाला है। ये जो गेम है आपको पीसी कॉन्सोल डिवाइस पर भी देखने को मिल जाता है, एंड भाई इस गेम के अंदर बेसिकली आपको मल्टीप्लेयर मोड देखने को मिलेगा, एंड जो पूरा गेम है ये ऑनलाइन होने वाला है। देखो यहाँ पर टोटल 5 प्लेयर का एक ऑनलाइन मैच होता है। यहाँ पर होता क्या है कि 5 प्लेयर होता है, एंड उनमें से 4 बंदे सर्वाइवर होता है, एंड एक बंदे होता है किलर। ठीक है, एंड जो सर्वाइवर होता है ना उसको यहाँ से बच के निकलना पड़ता है, एंड जो किलर होता है उसको पकड़ना होता है, उसको पकड़ के मारना होता है। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होने वाला है, एंड इस गेम के अंदर आप खुद एक बार किलर बन सकते हो एंड एक बार सर्वाइवर बन सकते हो, तो बहुत ही ज्यादा मजा है, मतलब दोनों तरफ से मजा ले सकते हो। एंड ये गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन है क्योंकि मल्टीप्लेयर है यार। तो अगर आपको एक हॉरर मल्टीप्लेयर गेम चाहिए तो भाई ये गेम आपके लिए होने वाला है। इस गेम का साइज होने वाला है 1.8 GB, एंड जो गेम है पूरी तरीके से ऑनलाइन है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस बात करते हैं नंबर 2 गेम के बारे में। तो भाई इस गेम का नेम है आइसक्रीम। दोस्तों इस गेम के बारे में कौन नहीं जानते यार, टेक्नो गेमर्स ने को खेल चुका है, तो मतलब ये गेम फेमस तो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, देखो भाई इस गेम के अंदर होता क्या है कि आपका जो दोस्त है वो जाता है आइसक्रीम खरीदने के लिए, लेकिन उधर जाके जो आइसक्रीम वेंडर है ना उसको भाई पकड़ के ले जाते हैं, मतलब किडनैप कर लेते हैं। ठीक है, एंड भाई आपको क्या करना होता है, उस दोस्त को बचाना पड़ता है। तो भाई बेसिकली आप जब बचाने के लिए जाते हो ना तो कुछ अजीबोगरीब जगह पर वो लोग लेकर जाते हैं, एंड उधर आपको कुछ भयानक चीज भी देखने को मिलेगा, कुछ स्कैरी साउंड आपको सुनने को मिलता है। तो बहुत ही अच्छा गेम ये होने वाला है, एंड साथ ही साथ इस गेम का ग्राफिक्स आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। बात करते गेम की साइज के बारे में, तो साइज होने वाला है 150 MB, एंड जो गेम है पूरी तरीके से ऑफलाइन है। तो चाहो तो यार ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा गेम है, एंड टेक्नो गेमर्स ने खेला है तो अच्छा गेम तो होगा ही। तो अब भी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, जाके एक बच्चे का आउट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 1 गेम के बारे में। तो भाई इस गेम का नेम है द स्कैरी बेंडी एस्केप हॉरर। दोस्तों ये जो गेम है ना बेसिकली ग्रैनी गेम की तरह होने वाला है, एंड इस गेम के अंदर बेसिकली आप एक घर के अंदर फंस जाते हो, मतलब लॉक हो जाते हो, एंड उस घर से आपको निकलना होता है, एंड अब रात पे फंस जाते हो तो भाई रात पे या फिर लाइट्स वगैरह सब ऑफ हो जाता है, लेकिन आपके पास एक टॉर्च होता है, उसको लेकर आपको चाबी वगैरह ढूंढना पड़ता है, एंड कुछ रिसोर्सेज आपको ढूंढना पड़ता है जिसको लेकर यहाँ पर आप डोर वगैरह को अनलॉक कर पाओगे। देखो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि जो वेंडी होता है ना वो कभी भी भाई आ जाता है, उसको आपको मतलब उससे आपको बचना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको जो मार देगा जैसे ग्रैनी करता है ना, सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर भी होने वाला है। एंड इस गेम का साइज होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 73 MB, एंड जो गेम है पूरी तरीके से ऑफलाइन है। तो कैसे अगर आपको ग्रैनी की तरह कुछ और गेम खेलना है तो भाई ये गेम आपके लिए होने वाला है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
पे। सो गाइस बात करते हैं बोनस गेम के बारे में। तो भाई इस गेम का नेम है हाडल। दोस्तों ये जो गेम है एक इंडियन हॉरर गेम होने वाला है एंड यहाँ पर आपको मराठी रूम देखने को मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पर होता है कि आप जाते हो एक घर पे एंड उधर रहने के लिए जाते हो, लेकिन उस घर पे जाके आपको पता चलता है कि ये जो घर है हॉन्टेड रूम है, मतलब भूतिया घर है एंड इसके अंदर कुछ उल्टा पुल्टा चीज़ आपको देखने को मिलता है, कुछ अजीबोगरीब चीज़ आपको सुनने को मिलता है एंड साथ ही साथ कुछ हॉरर साउंड भी आता है। जब आप रात पे सोते हो तो उस टाइम पे कुछ हॉरर साउंड भी आपको सुनने को मिलता है, लेकिन आप ना अचानक से उठ जाते हो एंड आपके पास एक टॉर्च होता है, उसको लेकर आप इधर उधर घूमते हो कुछ देखने के लिए कि क्या है इस घर पे अंदर। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है एंड एक स्टोरी लाइन भी आपको देखने को मिल जाता है एंड सच्ची बता रहा हूँ भाई हॉरर साउंड खतरनाक होने वाला है, तो हेडफोन पहन कर खेलना मजा आ जाएगा। ठीक है, सो गाइस आज की वीडियो पर खत्म करते हैं। मैं होप करता हूँ कि इनमें से कोई ना कोई गेम आपको पसंद आया होगा एंड पसंद आया तो भाई एक लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाओ एंड इस तरीके से वीडियो देखने के लिए साइड पे घंटी बटन है उसको प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अच्छा रहना, ख्याल रखना, बाय बाय।